बंदा ऐसा कभी मिलेगा नहीं, निक्कू बंदा भागने वाला नहीं है, नकली बंदा थोड़ी है कि बाहर दुकान खोला है भाग जाएगा बंदा। भाई तुमने पैसे वैसे खा रखे हैं क्या, ऐसी तारीफ कर रहे हो यार। ये पैसे किस लिए खाऊंगा मैं? नहीं नहीं यार, तारीफ तो तुम ऐसी कर रहे हो, यहाँ से क्यों चला गया? किसी को बताया क्या उसने? वीडियो बनवाता है वो इतनी। भैया सही रहता है, सही बोलता है हम भाई यार, इतनी वीडियो वीडियो ये चीज बताने का हक नहीं बनता क्या? हेलो भाई, मैं अनुपवार। भाई बड़ी दिक्कतें चल रही है आजकल जिंदगी में, बारिश आ रखी है और घर से बाहर निकलना है तो हमको थोड़ा सा ना दिक्कत है, लिटिल लिटिल सी पतली सी गेल रही है। अब मैं जैसे ही रिवर्स गेट डाल रहा हूँ तो भैया ये डिस्क डोरी सी चल रही है, मतलब कहने का हमारा जो किया सेल्टोस उसका कैमरा है वो खराब हुआ है या वायरिंग खराब हुई है, वो सब दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कितनी दिक्कत आती है भाई, आगे एंडेवर खड़ी, इतने वाहन खड़े कर रखे हैं, स्कूटी बिस्कूटी अपाचे अपाचे इतना सब ले रखा है तामझाम, पर इतनी दिक्कत होती है। खैर भाई ठीक तो करवाना ही है अर्जेंटली, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में कैमरा होना, तो इसको ठीक करवाने के लिए बुद्धि चटक गई आज ही, मैं चल दिया हूँ करोल बाग, बस बहुत हो गया। आज इसको बढ़िया वाला कोई कैमरा फिट करवा के ले आऊँगा जो 24 घंटा चले और कभी ख़राब भी ना हो। भाई एक तो दिल्ली जाना ना अपने आप में एक गुनाह है भाई, 22 किलोमीटर 1 घंटे 8 मिनट, और जो ये एमबीएस मॉल के यहाँ गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे जो जाम रहता है ना भाई, भगवान बचाए, इसलिए कभी दिल्ली जाने का मन नहीं करता मेरा तो। पर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जाना पड़ रहा है, क्या करूं यार। भाई रात में तो करोल बाग जगमग जगमग हुआ रहता है पूरा, ये मार्केट पूरी रात से की खुलती लगती है मेरे ख्याल से। तो भाई आगे हैं करोल बाग, जो इनकी मेन मार्केट है ना, जहाँ पार्किंग में गाड़ी वाड़ी बनाते हैं। आज आ मामा क्या आज ढंग तेरे मार लेंगे, ये क्या सिस्टम है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई ना दिख रहा, और यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी रह रही भाई, आइयो देख के हम यार, ये कहा मतलब भग्गे का ये या छोड़ छाड़ के करोल बाग है पूरा यू का सिस्टम भाई। गुरुजी कहा है को? अरे यही तो वीडियो वीडियो बनाए कर रहे हम यार, तोड़ जला तू अपने फोन में जरा, यहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है। इतने दिन में आए थे हाँ, इतने दिन में आए तो भाई देख ना इन्होंने क्या ये खड़ी कर ली, लैम्बोर्गिनी फैम्बोर्गिनी बड़ी बड़ी ऑडी सामान रख के रहे यार, यहाँ बैठने को थोड़ा बहुत सिस्टम मिनी कूपर भाई सिस्टम क्या है, स्कैम तो नहीं हो गया हमारे साथ क्या? ये तो पार्किंग ऐसा बन गया, यहाँ पे खड़ी रहती थी दुनिया भर की गाड़ियाँ भाई, इसे को भाई फोन मार यार, यू कहा मतलब है यार, हद दो एक रहे। और मैं लोगों से पूछ का हूँ यार, कहाँ है निक्कू कार डेकोर वालों, कहाँ भगो हम बे यार, कमाल हो गए निखाला सी दिखाइए, निक्कू वाला कहाँ चला गया? निकोला तो आगे चला गया भैया। कहाँ आगे? लिफ्ट वाली पार्किंग पे। तो यार ये पहले यहाँ रहता था, यहाँ पर छोड़ यार, वो मेरी गाड़ी का काम बिगाड़ दिया, कैमरा फैमरा उसने, अब भाग गया यहाँ से। नहीं भागा नहीं भैया, कहीं और दुकान खोल ली क्या? बगल में लिफ्ट वाली पार्किंग पे जाइएगा, हाँ वहाँ किसी बंदा पूछेगा आपको बता देगा निकू कहाँ। चलो चल भाई यार, ढूंढ के लामे यार, पता ना क्या गाड़ी वाड़ी यहाँ से क्यों छोड़ दिया, पर कोई दिक्कत हो रहा है उसको काम करने, इसलिए तो यहाँ पार्किंग मतलब गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी तुमने अपनी, नॉर्मल ये नॉर्मल पार्किंग बन गया। मैं पार्किंग वाला, आप पार्किंग वाले हो? अच्छा अच्छा, आपने भगा दिया उनको? मैंने भगाया नहीं है, भगाया नहीं, सर्विस में दिक्कत होता था उनको काम करने में। चलो थैंक गॉड, मतलब है यहीं पे, अभी पकड़ता हूँ जाके। नहीं है हाँ यार, लोग बाग ऐसे आते होंगे मेरे जैसे भी, कोई ऐसा बंदा कोई मिलेगा भी नहीं भैया। अच्छा तो आज जल के देखता हूँ भाई कहाँ क्या खोल लिया है, ऐसा बताओ यार, हमें दर्शन ही नहीं यार, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। आपको बता दूं क्या कि कहाँ पर जगह है उसका है? भाई बैठ यार, बंदा ऐसा कभी मिलेगा नहीं, निक्कू बंदा भागने वाला नहीं है भाई, तुम ज्यादा तुम पे वो नकली बंदा थोड़ी है कि बाहर दुकान खोला है भाग जाएगा बंदा। भाई तुमने पैसे वैसे खा रखे हैं क्या, ऐसी तारीफ कर रहे हो यार? ये पैसे किस लिए खाऊंगा मैं? नहीं नहीं यार, तारीफ तो तुम ऐसी कर रहे हो, यहाँ से क्यों चला गया? किसी को बताया क्या उसने? वीडियो बनवाता है वो इतनी। भैया सही रहता है, सही बोलता है हम भाई यार, इतनी वीडियो वीडियो ये चीज बताने का हक नहीं बनता क्या? लोग बाग कस्टमर आएंगे यहाँ पे क्या क्या सोचेंगे, कहाँ चला गया? ऐसा बात नहीं भाई, मुंह तो छुआ रहा हूँ भाई, हट जाओ यार प्लीज, ठीक है ना, हट जाओ यार। खामा खाई की मेरा कैमरा चल रहा ना, कोई बात चल रहा ना, रात में ठुगी तो कौन जिम्मेदार होगा भाई इस चीज का? भाई ऐसे ही लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक तो आप पहुँचाओ, किसी ने बताया था जैसे भाई ने कि भाई इधर कहीं पे तो मिलेंगे, कहाँ है यार, अद्धी हो गई भाई पता ही नहीं। अरे मिल गए निक्कू भाई। हाँ जी भाई, कहाँ छुप रखे हो भाई? बस हो लिया, बस हो लिया, कमा लिया, बस यही आ गए, घर वर खरीद लिया है। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं भाई, कितना तगड़ा घर मारा इन्होंने। नहीं घर अपना नहीं भाई, सेटअप लिया हूँ यहाँ पे, जो पार्किंग में कस्टमर कहते हैं ना, बैठने का जगह नहीं है, धूल मिट्टी है, मतलब पूरा घर ले लिया क्या आपने? नहीं घर नहीं लिया भाई, उस कस्टमर के लिए गाड़ी लगाने के लिए गैरेज जिसको बोलते वो ले लिया मैंने, बिल्कुल कंप्लीट, जो गाड़ी अंदर लग के शोरूम के तरह काम होगा, मतलब वो बंद हो गया क्या? वहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट कर लिया।
तो भाई ये कौन बताएगा इन सब चीजों को, आपने बताया ही नहीं यार हमको। अरे बताऊंगा भाई साहब, बताऊंगा अभी तो प्रॉपर पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने के बाद मैं बताता। भाई साहब इन्होंने तो बहुत तगड़ी जगह मारी है। तो ये कहाँ पे भाई? एक करोल बाग में ही भैया। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गया भाई, दिखा तो दो भाई अपने इसको। करोल बाग में ही है, आगे दिखाता हूं। और अभी करवाऊंगा भाई इसको भी। यार ये तो भाई निको भाई तगड़ी जगह मार लिया आपने तो। बिल्कुल, अभी इसका काम अभी प्रॉपर चल रहा है, इसका ऊपर सेटअप भी बन रहा है अभी। एक प्रॉपर सेटअप तैयार नहीं, बाकी इस तरीके का है अपना। भाई साहब इसमें कितनी गाड़ियां खड़ी कर लोगे फिर? 10-12 खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पार्किंग में क्या इशू था? मतलब पार्किंग में था कि कस्टमर का नीड था कि बैठने का जगह नहीं है, बैठने का सोफा चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके अलावा MCD का पंगा था, इसके बाद धूल मिट्टी गाड़ी पे लग जाता था, इसके बाद दरवाजा खुलता था उसमें धूल, कस्टमर को क्लीन काम चाहिए था, इसके कारण यहाँ पे लेना पड़ा। चलो यार ये तो काफी बढ़िया है। अभी कितनी गाड़ियां करने लग रहे हो? बाकी क्रेटा है, क्रेटा उधर रही, वो ग्रैंड विटारा है, बाकी 5-6 क्रेटा जा चुकी है। भाई क्रेटा किंग हो आप हैं। बिल्कुल, क्रेटा और सेल्टोस का तो कुछ। तो अभी जैसे मॉनसून सीजन आ चुका है, जुलाई चल रहा है, तो क्या कुछ रेट्स वेट्स में क्या कुछ हुआ है भाइयों को बता दो? नई जगह पे क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है? 28% चल रहा है हुंडई पे। अच्छा 28% डिस्काउंट है ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन पार्ट पे। कुछ खुशी का मौका है भाई, कुछ तो बताओ, ऑफर ऑफर दो भाइयों को, लिटिल लिटिल सा दो भाई। 28% ओरिजिनल पार्ट पे बड़ा मुश्किल से दे रहे हैं वो भी। ये DRL के बेस मॉडल में मिसिंग आता है, DRL कनेक्टिंग बेस मॉडल भाई है ही नहीं। बेस मॉडल जो टॉप मॉडल है ये ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं ग्रिल से मिसिंग नहीं खा रहा, क्योंकि टॉप मॉडल में जो ग्रिल आता है ना पियानो में आता है। हाँ यार सही कह रहे हो, ये तो बेस मॉडल ही है। बाकी कस्टमर ही रहे, मैं इनको ग्रिल का दिखाया था इनको कि आप ग्रिल भी लगाओ, जब पूरा काम करो तो बिल्कुल टॉप बनाओ। ये बोले मुझे पियानो पसंद नहीं उतना, इसलिए मैं नहीं लगवा रहा हूँ, बाकी सब कुछ करवाए लगवा सकते। ग्रिल का मिसिंग रह गया है। इसके अलावा हैलोजन आता है टॉप मॉडल में, हमने इसमें LED दोनों किट लगा दिया, 180W 180W का DSC ब्रांड का। ओके जी ठीक है फ्रेंड से, ये यही होता है। बिल्कुल आप ग्रिल जिनको चाहिए, ग्रिल नहीं रहे जो इनको टॉप मॉडल बिल्कुल बना, तो ग्रिल अपने पास ओरिजिनल अवेलेबल होता है, वो लगवा सकते हैं। कॉस्टिंग और क्या क्या पड़ जाती है भाई साहब? जैसे आप ग्रिल देखो, जैसे मैट है ना, और वहाँ जूम करके देखो टॉप मॉडल का ग्रिल आता है। तो ये भी बेस मॉडल ही है क्या? ये टॉप मॉडल ही था। अच्छा SSO है ये, ठीक है। ये मिसिंग जो है सिर्फ ग्रिल का फ्रंट से देख सकते हो, और हेडलाइट में तो टॉप मॉडल वाले में रोशनी उतना नहीं है, तो मैं तो रेफर करता हूँ LED लगवाओ आप। ठीक है तो LED लगा दिया। साइड प्रोफाइल से बात करोगे तो इसमें L9 की 18 इंची का अलाय, कस्टमर का नीड था कि 18 इंची का अलाय चाहिए। L9 का डलवाया? बिल्कुल L9 का क्रेटा, L9 का अलाय भी है 18 इंची। चाहे आप जितना भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवा लो, जब तक अलाय नहीं लगाता तब तक कोई गाड़ी का लुक नहीं आता। गुड कह रहे हो, ये बात आपने बिल्कुल। जब चाहे आप 5 लाख लगा लो, चाहे 2 लाख लगा लो, चाहे 1 लाख लगा लो, जब तक अलाय नहीं लगती कोई भी गाड़ी हो तब तक लुक नहीं आता। और मेन सबसे अच्छा तो ये लगता है भाई, बड़ा वाला 18-17 वाले तो सब लेकर 18 L9 का लाया। और एक नया चीज और है, जब यहाँ पे इंडिकेटर आता है ना, तो हमको इसको हटा के हमने एडवेंचर का ओरिजिनल हुंडई का ही बेंट आता है, एडवेंचर का हमने बेंट लगा दिया इसमें। तो भाई ये कॉस्टिंग L9 की क्या चल रही है फिलहाल मार्केट में टायर समेत? टायर समेत देखो, टायर को तो आप हटा दो साइड में, क्योंकि देखो अलाय का कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि टायर तो किसी को ब्रिजस्टोन पसंद है, तो किसी को गुडियर पसंद है, तो किसी को योकामा पसंद है, तो किसी को ब्रिजस्टोन। तो टायर अलाय की बात करें तो 52,000 रुपये अलाय आता है। 17 इंची में अगर JK का टायर और अलाय भी लगाते हो तो 45,000 रुपये का लग जाता है। ओके भाई देखना, एक दो कितने मार लिए भाई, कोई दिक्कत होगी नहीं, कितनी गर्मी पड़ जियो, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोग पहले कंप्लेंट करते थे ना, ऐसा जगह नहीं है, कचरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो SX का लोगो भी लगवा दिया छोटा सा, ठीक है यार। ये कहीं से बेस लग ही नहीं रहा है, नहीं लगा। लेकिन ये देखो ओरिजिनल Sharkfin एंटीना, ये नहीं कि कोई कॉपी है, जो टॉप मॉडल में आता है Sharkfin एंटीना। ब्लैक क्यों लगवाया? क्योंकि इस बार 2024 मॉडल में ना हुंडई ने कोई सा भी कलर की गाड़ी हो, सब में एंटीना ब्लैक ही आता है। अच्छा, चाहे कोई सा, देखो एक टॉप मॉडल है ना, उसमें ब्लैक ही एंटीना लगा होगा। सही कह रहे हो, सेम एंटीना होगा, ठीक है कह रहे हो। ग्रैंड विटारा वाले देते हैं वाइट अब भी। हाँ बिल्कुल भाई, ये मुझे लग नहीं रहा, आप झूठ बोल रहे हो भाई कि ये मान नहीं रहा, सनरूफ भी नहीं है इसमें। हाँ बेस मॉडल था ये, बेस टू टॉप कन्वर्ट करा है। सच में आप इनके साथ मिले तो नहीं हुए? नहीं नहीं, ये अपन निकू भाई खूबसूरती है, इन्होंने ऐसा कर दिया। बड़ी आपको एक क्रेटा, ये क्रेटा मेरे को पड़ी थी करीब 12:30 की। चलो पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल है। अच्छा मतलब बेस है फिर तो, कस्टमर कह रहे हैं तो फिर तो माननी पड़ेगा। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा ना बेस, 2-3 तरीके से मैं दिखा सकता हूँ बेस। अगर ये टॉप रहता तो रुपया सेंसर वाला हैंडल रहता। अरे हाँ यार ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो 360° कैमरा है, पेडल लैंप है, और साथ में 1 टच मिरर फोल्डिंग है। वाह यार। इसके अलावा कस्टमर का नीड था कि हमें फुट रेस्ट लगे ओरिजिनल, तो ओरिजिनल फुट रेस्ट भी है। ओरिजिनल ओरिजिनल आता है ओरिजिनल में? हाँ आप एसेसरीज में ले सकते हो ना, जैसे टॉप मॉडल में लग के नहीं आता है। अगर आपको लगवाना है जैसे हुंडई का फुटेज लगवाना है, तो आप एसेसरी में हुंडई से परचेज कर सकते हो। तो ये हुंडई का ही है? हाँ हुंडई का ही। इसके अलावा देखो तो डोर डैम्प भी है यहाँ पे। वाह एफर का था। इसके अलावा देखो एक चीज दिखाता हूँ, गाड़ी में लगाओ मर्ज, सेम लगाओ बेस मॉडल गाड़ी है ना, पता लग रहा है ना कि बेस मॉडल है, क्योंकि टॉप मॉडल में तो खुद लग के आता है वो।
ये बहुत तगड़ी चीज है भाई, ये तो धमाक ऐसी बना देता है बेस बिल्कुल एकदम। इसके अलावा लेकिन देखने से पता नहीं चला कि बेस मॉडल, इसमें बूट लैंप की कमी थी, बूट लैंप लगा दिया, ओरिजिनल पार्सल ट्रे की कमी थी, ओरिजिनल पार्सल ट्रे लगा दिया, ठीक है, बूफर की कमी थी, कोई स्पेस ना लो, कुछ लाइट लगा दो साइड में, आपका बूफर का काम भी करेगा, जब मर्जी घूमने जाओ, ये होता है ढोल लगा लो, हमें ज्यादा कैरी बैग होता है तो हटाना पड़ता है बूफर को, इसमें हटाने की झंझट ही खत्म है भाई, तगड़ा लग रहा है। चलो अंदर आ जाते हैं, चलो अंदर इंटीरियर में, बाहर से इतना ही है, बाहर से हाँ अलाय है, रूफ रेल्स है, अपना डोर वाइजर है, अलाय व्हील बता दिया, बाहर से बेसिक यही काम है जो टॉप मॉडल में होता है, बाहर से इतने इतना लगने के बाद ही ऐसे चार चांद लग जाते हैं बिल्कुल। एक सिर्फ दो चीज बाहर से नहीं लगा हुआ, एक पीछे से वाइपर नहीं लगा हुआ है, एक टेल लाइट नहीं लगा हुआ है, और एक विंडो गार्निश क्रोम एक हैंडल आता है बाहर से, बस ये काम नहीं हुआ है। ये वैसे अवेलेबल है ना अपने बिल्कुल, हैंडल भी अवेलेबल है, कस्टमर को मैंने बोला था कि हैंडल भी है, ये भी है, और वाइपर बहुत दिनों से नहीं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ रहा है, वाइपर का वाइपर भी आप लगवा सकते हो, क्योंकि अब बारिश आने वाला है, वाइपर का नीड बहुत ज्यादा रहेगा, बिल्कुल आप लगवाओगे वाइपर, ठीक है, वाइपर का भी नीड है कि आप लगवा सको, हुंडई जनरल पार्ट वो भी मिलता है वाइपर का, तो आप ना एक मॉनसून स्पेशल कूपन कोड निकाल दो जिससे थोड़ा लिटिल डिस्काउंट हो जाए, 22,000 रुपए में, 25,000 का था 22,000 रुपए, वाह वाह, फिर तो लगवा लेने में कोई बुराई नहीं है भाई साहब, वॉशर वगैरह सब कुछ आ जाएगा भाई। इंटीरियर भी देखो यार, मेरे को आते ही यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये बेस मॉडल हो सकता है, इसमें फीलिंग बिल्कुल ऐसी आती है जैसे एकदम टॉप मॉडल वाली आ गई हो, और 360 डिग्री कैमरा भी लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉप बनाना था ना भाई को, तो बिल्कुल 360 डिग्री कैमरा उमरा के साथ है। ओ भाई क्या गाड़ी लग रही है भाई, ये निक्कू भाई आप तो तगड़ी चीज बना रहे हो यार, अब तो पार्किंग से यहाँ के आ गए, और आपने तो खूबसूरती ला दी अपने काम, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सीट कवर देखना भाई, क्वालिटी बिल्कुल जैसे टॉप मॉडल में आते, सेम टू सेम आपको ऐसी लगेगी, क्योंकि भाई लाइव यहीं पे सीट कवर वगैरह का भी काम होता रहता है, तो यार ये भी बढ़िया सिस्टम कर दिया है यार आपने, इतना बड़ा सरप्राइज हमको, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज दिया है आपने यार, बिल्कुल भाई साहब, अभी तो सरप्राइज, अभी जब प्रॉपर पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा ना ऊपर नीचे, तब सरप्राइज रहेगा कि हाँ बोलो कुछ चीज में आया हूँ कहीं पे, तो फिर भाई ये क्या है, मतलब अभी ऑलरेडी होना है क्या अभी, बिल्कुल क्या ये तो नीचे अभी रेडी होने वाला है, ऊपर भी जो कस्टमर का जो कस्टमर केयर जो बनेगा, जो कस्टमर डील होगा ऊपर ही होगा, सेटअप सिर्फ यहाँ पार्किंग है गाड़ी में काम होने के लिए, कस्टमर इतने जब गाड़ी में काम हो रहा है एसी में बैठो अपने, बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल सब सेटअप रहेगा भाई, सही है भाई, जो कस्टमर जो वेट करते हैं उनके लिए बढ़िया सुविधा निको भाई करने वाले हैं भाई। इसके अलावा देखोगे तो बेस मॉडल में आपको स्टीयरिंग क्रूज नहीं आता, हाँ जी हमने इसमें टॉप वाओ इसमें ब्यूटीफुल हमने इसमें इसमें हमने स्टीयरिंग क्रूज दोनों लगा दिया। इसके अलावा देखोगे तो सेम डोर पैनल में कटिंग, आपको पैनल चेंज करवाना तो पैनल ले सकते हो, वन टच मिरर फोल्डिंग है, जैसे हम बार बार बोलते हैं बैनू का स्विच नहीं है, क्रेटा का स्विच है, क्रेटा के स्विच के साथ ये आपको मिरर फोल्डिंग है। इसके बाद एम्बिएंट लाइट लगाया गया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा स्टीयरिंग क्रूज जेन्युइन हुंडई का है, सनग्लास होल्डर भी जेन्युइन हुंडई का है, जो कॉपी होता है उस पर व्हाइट कलर की होती है, इस पे ब्लैक कलर की है, ठीक है, पेज पेज ओके। इसके अलावा इसका स्टूडियो लगाया गया हुआ है 12.33 का, कहीं से कोई गैप नहीं है, ये वायरलेस कार प्ले वाला है, बिल्कुल वायरलेस कार प्ले वाला है। कौन सी कंपनी का ये, ये नया ब्रांड आया, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी कंपनी का, सेंसुई, हाँ बिल्कुल, जो पहले टीवी बनाती थी हमारे टाइम, हाँ, बिल्कुल, मैं उसका डब्बा दिखाता हूँ एक बार आपको, लाना हमारे घर में भाई, पहले पता है जब मेरा बड़ा भाई हुआ था ना, स्टूडियो डब्बा लियो, तब वो दहेज में मिला था भाई, और आज वो बताओ इंफोटेनमेंट भी बनाने लग गई भाई, जैपनीज कंपनी बहुत ऊपर है, स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे हम बुलोपंग कोई भी ब्रांड का लेते हैं उससे ऊपर मैं एक बार डब्बा लाके आपको दिखाता हूं, दिखाओ भाई, लेकिन ना जब आप क्रेटा का ओरिजिनल देखते हो ना वो बड़ा छोटा छोटा सा आता है, क्रेटा का जो ओरिजिनल आता है 10 इंच वाला, ये बाहर वाले आफ्टर मार्केट वाले उल्टे ज्यादा अच्छे लगते हैं भाई उनसे, तो ये देखो अच्छा, ये तो नया कुछ लगाने लगे, बिल्कुल लेटेस्ट चीज बनाया, पहले टीवी बनाया करती थी कंपनी, ठीक है, अब एंड्रॉइड पे आ गए, क्योंकि सबसे पहले टीवी, बहुत टीवी बनाई इस कंपनी ने भी, अब एंड्रॉइड सिस्टम पे आ गई, और टच क्वालिटी, मैंने बहुत सारे ब्रांड का स्टूडियो बेचा हूँ, कोई सस्ती नहीं है, बहुत अच्छा ब्लोपंग का लेवल का स्टूडियो है, ब्लोपंग से मैं नहीं बना सकता किसी ब्रांड का कैसा है क्या नहीं है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स चेक करोगे दो ब्रांड का तो आपको प्रॉपर टच क्वालिटी। क्या कॉस्टिंग आ रही है इसकी फिलहाल मार्केट में सैमसंग वाले की, 27,500 रुपए, 27,500, ये पूरी डिटेल, ये देखो इसका एमआरपी, ये आप, अरे भैया इतना महंगा, आप तो मोटा डिस्काउंट पे दे रहे हो भाई, बिल्कुल, तो आ जाओ भाई, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीजें इसके अंदर हैं, बढ़िया 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ चल जाएगा इसके अंदर, और क्या लोगे निक्कू भाई से, और स्पीकर कौन सा डाले निक्कू भाई, हमारे बार भूल जाते हैं यार, सोनी ES सीरीज का इसमें कंपोनेंट है, सोनी GS4 का एम्प है, और साइड पक्का बूफर जो हमने बताया मर्ज वो बूफर है, मतलब कस्टमर ने तो मोटा पैसा खर्च किया है ना, बिल्कुल, म्यूजिक से इनको बोले कि मुझे को काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, जो भी चाहिए हाई लेवल का चाहिए, दिल खोल के खर्च किया है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चाहे एन लाइन हो, चाहे स्टीरियो हो, चाहे स्पीकर, भाई सोनी ये सबसे टॉप में आ जाती है कहीं ना कहीं, स्पीकर बिल्कुल टॉप में आ जाती है, 33,000-32,000 के रेंज में स्पीकर ही आ जाता है, और जो एम्पलीफायर है वो भी बहुत तगड़ा है, वो GS4 का है, सोनी का स्टूडियो भी बहुत ऊपर है, साइड पक्का बूफर भी कोई सस्ता ब्रांड है, 27,500 का बूफर आता है,
तो कस्टमर ने लमसम लमसम 2+ का ही खर्चा किया है, 2 लाख प्लस। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको इस लेवल का काम करवाना तो भाई देखो और मार्केट में क्या होता है देखते हैं, हम भी देखे हैं। आजकल कोई कोई बंदे डालते हैं 50% डिस्काउंट, अलाय बिल 34,000 का ले लो, 35,000 के ले लो, 13,000 कुछ रुपए, 12,000 कुछ एमआरपी आता है 17 इंची का लाके, 12x48, 50, 49,000 के समथिंग होता है। 35,000 में कैसे मिल जाएगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जब कस्टमर एक कस्टमर का आया मेरे पास, भैया मेरे को अलाय वहां पे उतने का मिल रहा है, आप महंगा दे रहे हो। मैंने बोला भाई साहब एक बार कॉल करके बोलो खाली अलाय अलाय दे देगा क्या? तो बोला कि अलाय नहीं दूंगा, पूरा बेस्ट टू टॉप करूंगा तब अलाय दूंगा। ये कोई मतलब नहीं है, कस्टमर का नीड है कि मेरे पास कस्टमर नहीं आता, एक सामान तो कुरियर करवा सकता है ना। बड़ा स्कीम चल रहा है मार्केट में, 35,000 में अलाय ले लो, इतने का ले लो, ये सब लोकल चीज। एक चीज घाटा से देखे, दूसरे चीज पे उलट फिर कर, अपने यहाँ नहीं भैया, आप अपने सामने ब्रांड मांगो, जो सा ब्रांड मांगोगे वो ब्रांड दूंगा। मतलब थोड़ा वो तो पड़ सकता है कहीं ना कहीं, लिटिल एक्सपेंसिव, पर काम क्वालिटी वाला और जेन्युइन वाला होगा। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है भाई, आप अपने सामने पार्ट खोलो, जो भी डीआर लो, स्टेरिंग लो, क्रूज लो, सनग्लास होल्डर लो, पीछे का वाइपर लो, कोई भी आइटम लो, अपने सामने डब्बा ओपन करो, टेंशन फ्री ओरिजिनल काम करवाना है तो यहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल, क्रेटा और सेल्टोस में हर गाड़ी का दावा नहीं ठोकता हूँ, क्रेटा सेल्टोस स्कॉर्पियो एन कुछ भी आपको करवाना है, डब्बा पैक खोलना है आप अपने सामने करो, बाकी हर गाड़ी तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अपने सामने ये सामान का क्वांटिटी हमारे पास बहुत होता है। एक बार में अगर 10 गाड़ी 20 गाड़ी महीने में 200 गाड़ी आएगा उसका भी कंप्लीट काम हो सकता है, उतना सामान स्टॉक में होता है। अच्छा जी, चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया है, क्रेटा तो बहुत जबरदस्ती लगी रही है, हर चीज में करी थी, कुछ बचा ही नहीं इसमें। बिल्कुल, सिर्फ वाइपर और मैंने बोला था वाइपर और ग्रिल की कमी है, बाकी इससे पता ही नहीं चलता कि बेस मॉडल है भाई। वही तो बिल्कुल क्वालिटी, अगर जब रोड पे चलेंगे जिनको नॉलेज है ना वही बता सकता है कि ये टॉप मॉडल नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है ना गाड़ी देख के टॉप मॉडल ही बताएंगे। बिल्कुल, और बोस के स्पीकर से बढ़िया स्पीकर डल गए, एम्पलीफायर डल गए, सारी चीजें। अब निको भाई वो मेरे कैमरा वैमरे का भी कर दो भाई, मेन तो बिल्कुल क्या हो गया उसके अंदर भाई, एक्चुअली बारिश बारिश घुस जाती है, पानी पानी उसमें दिक्कत हो जाती है। देखो इसमें भी यहाँ पे कैमरा वैमरा डल गया है, और ये हो रही है ग्रैंड विटारा। हाँ। मतलब सारी गाड़ियों का करते रहते हैं, मोस्टली आपको क्रेटा का ही दिखाते हैं, तो एक वो मैं समझा करो कि बस ये क्रेटा करते। देखो ए टू जेड कोई सी भी गाड़ी ले आओ, देखो इसमें कैमल कलर का इंटीरियर, कस्टमर का नीड था कि मुझे कैमल कलर का इंटीरियर चाहिए, तो प्रॉपर कलर फिटमेंट देखो सीट कवर के, कहीं से कोई रिंकल कहीं से कुछ नहीं है। कैमल बोले तो ऊंट है ना, ऊंट जैसा होता है, जैसे का टॉप मॉडल में कलर आ रहा है ना अभी, सेम कलर का सीट कवर है। हाँ भाई देखो ये भी मस्त लग रही है, और ये सब ये मिल जाता है, हमने ये फिट किया, इसमें एलईडी डीएससी ब्रांड का इसमें भी लगाया, रिले लगाया, डोरवाइजर, रूफ फिल, माने बहुत सारे काम इसमें, सिर्फ अलाय का कमी है जो भैया बोले नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। तो निकू भाई कहाँ पे पड़ता है अब ये? उस वो तो देखो आपको बदल गया, पहले तो पार्किंग में था। हाँ। ऐसे ही अभी जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक नाम और एड्रेस नहीं बताया पहले, लेकिन आपको काम करवाया था निकू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड करोलबा, बगल में ही अपनी शॉप है पुरानी वाली। हाँ तो भाई तुम्हें जब समझा रहा हूँ, 2-3 दिन अब नहीं होता बंद है लाइट जलाने पे। तो भाई इसमें तो तार वार कुछ ढिले हो रखे, तार कट गया था, कट गया था, अब वही जोड़ दियो क्या? वही जोड़ नया वो लगा दिया, क्या कैमरे का डब्बा ला रखा हूँ ना, नया वो पंच लगा दिया ना, हमने तो देखो कहीं पंच आ पुराना फेंका हुआ है, पंच दिख रही है, कहां पंच देखो, दिख रही है कहां है, अगले बार चेंज कर दूंगा। नया कैमरे का डब्बा में तुमने लगाया हूं ना? अच्छा ओके, डब्बा मंगाया था, गुड जॉब। चलो ठीक है भाई, निकू भाई बहुत बहुत मुबारक हो न्यू शोरूम के लिए भाई, ऐसे ही तरक्की करते रहो। बिल्कुल भाई, चलो भाई हो चुका है सारा रिजोल्व, थैंक यू भाई। Okay. भाई का काम में भाई इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ी बहुत लिटिल लिटिल दिक्कत आ सकती है, क्या बात है ना। बिल्कुल, चलो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।